जम्मू कश्मीर के रजौरी में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच शुक्रवार को मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं, एक जख्मी जवान का भी इलाज चल रहा है। कुछ आतंकियों के मारे जाने की खबर है। फिलहाल इलाके में ऑपरेशन जारी है। सुरक्षा के लिहाज से जिले में इंटरनेट की सेवा बंद कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक खराब मौसम और लगातार बारिश के बीच ये मुठभेड़ हो रही है। जम्मू क्षेत्र में भाटा धुरियान के तोता गली इलाके में आतंकियों ने सेना के जवानों पर घात लगाकर हमला कर दिया था, जिसके बाद ये इलाके में छिपे आतंकियों को बाहर निकालने के लिए लगातार ऑपरेशन कर रहे थे। मुठभेड़ में 2 जवान मौके पर शहीद हो गए थे और 4 घायल जवानों को इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। बाद में इलाज के दौरान 3 और जवानों ने दम तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में सेना के कुल 5 जवान शहीद हुए हैं। रजौरी सेक्टर के कुंडी जंगल में आतंकवादियों की मौजूदगी की एक खास सूचना पर 3 मई को एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया। 5 मई की सुबह करीब 7:30 बजे एक खोज दल को गुफा में छिपे आतंकियों की जानकारी हुई। ये गुफा खड़ी चट्टानों में बनी है। सेना के जवानों ने जब वहां पहुंचकर उन्हें बाहर निकालने की कोशिश की तो उन पर बम से हमला कर दिया गया। इस हमले के बाद आसपास से सेना की और टीमों को मुठभेड़ स्थल पर बुलाया गया। वहीं जख्मी जवानों को हेलीकॉप्टर से उधमपुर कमांड अस्पताल पहुंचाया गया। ऐसी सूचना है कि इलाके में आतंकियों का एक समूह यहां ट्रैप हो चुका है। वहीं अनुमान है कि मुठभेड़ में कुछ आतंकी मारे गए हैं। ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बारामूला में विंगम पीन क्रीरी इलाके में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 4 मई को 2 आतंकवादियों को मार गिराया था। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली और सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया। इसके पहले 3 मई को भी 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। यह नियंत्रण रेखा के समीप से घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। केंद्रीय एजेंसियों के मुताबिक घाटी में अभी 50 सक्रिय आतंकी हैं। इसमें 20 से 24 विदेशी आतंकी और 30 से 35 स्थानीय आतंकी बताए जाते हैं। लगातार इस पूरे ऑपरेशन से जुड़े इनपुट्स ये हैं कि इस वक्त जिन आतंकियों को ट्रैप किया गया है ये वही आतंकी हैं जिन्होंने हाल ही में सेना के ट्रक पर हमला किया था, जिसके बाद ये लगातार जंगलों में अपने ठिकाने बदल रहे थे। इन्हीं को सेना ने ट्रैप करने के बाद इस एनकाउंटर को शुरू किया है। कुल मिलाकर सेना लंबे वक्त से हेड हंटिंग के लिए निकली हुई है, लेकिन लगातार आतंकी बच निकलने में सफल हो रहे थे और इस बार जब मुठभेड़ हुआ तो इसमें सेना के हमारे 5 जवानों ने शहादत ली है। कुछ आतंकियों के भी मारे जाने की सूचना है। इस खबर में लगातार अभी अपडेट्स आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।